अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल करीम है। ये जो आप लोग कुछ दिनों से वाक़ा सुन रहे हैं कि मस्जिद अलहाज मोहम्मद इस्माइल जहनुमा में जो मुनक़िद है, उस ताल्लुक़ से मैं कुछ दो बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये मस्जिद मोहम्मद इस्माइल मेरे दादा आज़म बनाए हैं, जिनका नाम मोहम्मद इस्माइल है, और ये उन्हीं के नाम से बनाई गई है। ऑफिशियली ये प्रॉपर्टी इस्माइल साहब की है। इस्माइल साहब ये प्रॉपर्टी पहले अपनी पोतरी अज़मतुन्निसा बेगम को देने की नीयत से ख़रीदे थे, क्योंकि उन्होंने नहीं लिए हैं प्रॉपर्टी, उन्होंने वापस कर चुके थे, उन्होंने जो है ना दादा के फेवर में गिफ्ट ओरल कर चुके थे। उस वजह से दादा जो है इसको 2013 में मेरे नाम पे मुंतकिल कर दिए थे बाई वे ऑफ रजिस्टर्ड गिफ्ट डॉक्यूमेंट। दो डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे और मैं इसका ओनर हूँ। आज भी ये प्रॉपर्टी मेरे ही नाम पर आ रही है, ईसी मेरे नाम पर है, और 2002 में जो दादा प्रॉपर्टी ख़रीदे थे अज़मतुन्निसा के नाम पे, जिसको जो है जनाब मोइज़ुद्दीन शरीफ साहब, जो मेरे बहनोई है अज़मतुन्निसा के जो है शौहर है, उन्होंने बता रहे कि ये प्रॉपर्टी उनकी है, उन्होंने ख़रीदे। तो ये मेरा बोलना ये है कि ये ना सिर्फ पहली प्रॉपर्टी है जो दादा अज़मतुन्निसा के नाम पर ख़रीदे, बल्कि ये दूसरी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी ये है जो इसका ईसी है, ये कोटला अलीजा में पहली प्रॉपर्टी ख़रीदी गई 1985 में पहली प्रॉपर्टी ख़रीदी गई अज़मतुन्निसा के नाम पे, जिस वक्त अज़मतुन्निसा मेरे बड़े बहन 5 साल के थे। तो दादा क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, समझदार थे, उन्होंने ये चाहते थे कि जो भी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे उसका फ़ायदा उनके बच्चों को होना, इसीलिए उन्होंने प्रॉपर्टी उसी वक्त से बच्चों के नाम पर ही रजिस्ट्रेशन किया करते थे। और चूँकि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर 2013 से थी, 2015 में मैं ब्रिलियंट स्कूल वालों को रजिस्टर्ड किरायनामा करा था, किरायनामा मेरा रजिस्टर्ड हुआ, स्कूल उसके अंदर बाज़ाब्ता चल रहा था, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड स्कूल थे, उसकी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ थी। जितने लोग अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आते थे पेरेंट्स स्कूल को, वो सब जानते हैं कि ये ब्रिलियंट मिशन स्कूल है। ब्रिलियंट मिशन स्कूल साहब के हेड मास्टर जनाब अहमद इदरीस शरीफ साहब भी इस बात के गवाह है कि प्रॉपर्टी इस्माइल साहब की थी, इस्माइल साहब ही ओनर थे, इस्माइल साहब ही किराया वसूल करते थे। और 2020 में इस इदरीस अहमद साहब प्रॉपर्टी वेकेट कर चुके थे, तो दादा का ये इरादा हुआ कि उन्होंने अपने नाम से एक मस्जिद बनाए, उसीलिए ये मस्जिद बनाई गई, और तब से ये मस्जिद अभी तक कंटिन्यू चल रही थी। ये मस्जिद के कंस्ट्रक्शन का जो काम हुआ था वो लगभग 9 महीना चला। अगर ये मोईज़ साहब का जो है जो कहना है कि जो है ना मेरी बग़ैर इजाज़त की ये सारी चीज़ें हो गए, तो फिर आप 2002 से क्या कर रहे थे? गलत तरीके से पब्लिक के सामने पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरे को ओनर बस्ती वाले डिक्लेयर कर दिए। बस्ती वाले वैसा ओनर डिक्लेयर नहीं करते आपको, बस्ती वाले सिर्फ आपसे खुश होके, ताकि आप ये कर दिए थे मस्जिद तोड़ने का काम, मस्जिद में दोबारा नमाज का तयकुन दिए, इसलिए आपकी गुलपोशी की गई और तस्वीर के तौर पर। और एक बात मैं बोलना ज़रूरी समझूंगा, अगर इस मामले में बस्ती वाले इंटरेस्ट दिखाएंगे और जनाब बरिस्ता असदुद्दीन साहब अगर मुनासिब समझते हैं, तो मुकामी लोगों को जो वहाँ के परमानेंट मुसल्ली है, 5 टाइम नमाज पढ़ने जो आते हैं, उनको रखते हुए एक कमेटी कायम की जाए और ये झगड़े को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि ये झगड़ा ना रहे कि जो है ना मोइज़ुद्दीन शरीफ साहब बोलेंगे कि मैं बगैर चंदे के मस्जिद में चलाऊँगा ता क़यामत, ना उन्होंने रहने वाले ना हम रहने वाले। जो लोग वहाँ के मुकामी रहेंगे, जो लोग वहाँ के परमानेंट मुसल्ली रहेंगे, वही लोग हमेशा रहेंगे। तो कमेटी के मेम्बर्स चेंज होते जाएंगे, कमेटी कायम रहेंगी, उसी लिए मेरा कहना यह है, अगर आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मुनासिब समझते हैं तो इस तरीके से कर दिया जाए ताकि मस्जिद का मसला हल हो जाए। और मस्जिद जिस शक्ल में पहले से बनाई गई थी, 7-8 महीने से नमाज चल रही थी, जिस नाम से मस्जिद बनाई गई थी उसी नाम को और उसी शक्ल को मस्जिद को दोबारा दे दिया जाए, अभी तक कंटिन्यू चल रही थी। ये मस्जिद के कंस्ट्रक्शन का जो काम हुआ था वो लगभग 9 महीना चला। अगर ये मोईज़ साहब का जो है जो कहना है कि जो है ना मेरी बग़ैर इजाज़त की ये सारी चीज़ें हो गए, तो फिर आप 2002 से क्या कर रहे थे? 2002 से ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं थे, इसीलिए उन्होंने 2013 में जब मेरे नाम पे प्रॉपर्टी मुंतकिल की गई थी, उस वक्त उन्होंने जाके चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन में एक दरख्वास्त दिए थे कि जो है इसके प्रॉपर्टी के पेपर मेरे पास से गुम हो चुके हैं। अगर प्रॉपर्टी के पेपर्स गुम हो चुके थे तो फिर अब कहाँ से आए? अब जो डॉक्यूमेंट्स दादा उनको दिए थे रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से दिए थे, तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट दिए थे, बाकी उससे हटके बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं और लिंक डॉक्यूमेंट्स हैं जो दादा के पास अवेलेबल है। वो जब भी जो है मेरे बहन अज़मतुन्निसा आएंगे उनको बताया जाएगा, क्योंकि मोइज़ुद्दीन शरीफ साहब मेरे बहन भाई साहब
कुछ अलग तरीके से दादा से पेश आ रहे हैं, जिसकी वजह से दादा जो है ना उनसे बात करके सुलह भी करना चाह रहे हैं, मगर उन्होंने फोन नहीं उठा रहे दादा का। तो मेरी अदबन गुजारिश है हमारे बहन से कि उन्होंने दादा हजरत से रब्त पैदा करें। और दूसरी चीज, ये जो मस्जिद बनाई गई है वो इस्माइल साहब के नाम से और इस्माइल साहब की है, उन्हीं के पैसों से दी। एक बात मैं और बोलना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि मोइज़ुद्दीन शरीफ साहब ये बताए कि मस्जिद की आड़ में प्रॉपर्टी कब्जा करना चाह रहे, जब उसमें मस्जिद बन गई तो कब्जा करके क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा? ये मेरा सवाल है उनसे, क्या हासिल हो सकता है? और ये पहली मस्जिद नहीं है जो उन्होंने बनाए, ये दूसरी मस्जिद है। पहली मस्जिद आज से 20-25 साल पहले उन्होंने किशनबाग में बनाए मेरे दादी के नाम से, मस्जिद रहीमुन्निसा बेगम, जो आपकी अहलिया है, और उसका मेंटेनेंस पिछले 25 साल से उन्होंने ही करते आ रहे हैं। मेरी अदबन गुजारिश है आप तमाम लोगों से, बस्ती के जो लोग रहने वाले हैं, मुकामी लोग और मुकामी कारपोरेटर साहब से, और अदबन गुजारिश है बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब से, जो वक्त वाहिद में कॉरपोरेटर्स को वहाँ पर भेज के ये मस्जिद को मुझे मुनद्दम करने की जो साजिश की थी उसको रुका दिए थे। और कॉरपोरेटर साहब की मौजूदगी में मोई साहब ये तयखुन दिए गए ता क़यामत मस्जिद में नमाज होंगी, जिसकी वजह से उनकी गुलपोशी की गई। उन्होंने इस गुलपोशी को भी गलत तरीके से पब्लिक के सामने पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरे को ओनर बस्ती वाले डिक्लेयर कर दिए। बस्ती वाले वैसा ओनर डिक्लेयर नहीं करते आपको, बस्ती वाले सिर्फ आपसे खुश होके, ताकि आप ये कर दिए थे मस्जिद तोड़ने का काम, मस्जिद में दोबारा नमाज का तयखुन दिए, इसलिए आपको गुलपोशी की गई और तस्वीर के तौर पर। और एक बात मैं बोलना ज़रूरी समझूंगा, अगर इस मामले में बस्ती वाले इंटरेस्ट दिखाएंगे और जनाब बरिस्तर असदुद्दीन साहब अगर मुनासिब समझते हैं, तो मुकामी लोगों को जो वहाँ के परमानेंट मुसल्ली है, 5 टाइम नमाज पढ़ने जो आते हैं, उनको रखते हुए एक कमेटी कायम की जाए और ये झगड़े को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि गलत तरीके से पब्लिक के सामने पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरे को ओनर बस्ती वाले डिक्लेयर कर दिए, बस्ती वाले वैसा ओनर डिक्लेयर नहीं करते आपको, बस्ती वाले सिर्फ आपसे खुश होके, ताकि आप ये कर दिए थे मस्जिद तोड़ने का काम, मस्जिद में दोबारा नमाज का तयखुन दिए, इसलिए आपकी गुलपोशी की गई और तस्वीर के तौर पर। और एक बात मैं बोलना ज़रूरी समझूंगा, अगर इस मामले में बस्ती वाले इंटरेस्ट दिखाएंगे और जनाब बरिस्तर असदुद्दीन साहब अगर मुनासिब समझते हैं, तो मुकामी लोगों को जो वहाँ के परमानेंट मुसल्ली है, 5 टाइम नमाज पढ़ने जो आते हैं, उनको रखते हुए एक कमेटी कायम की जाए और ये झगड़े को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि ये झगड़ा ना रहे कि जो है ना मोइज़ुद्दीन शरीफ साहब बोलेंगे कि मैं बगैर चंदे के मस्जिद में चलाऊँगा ता क़यामत, ना उन्होंने रहने वाले ना हम रहने वाले। जो लोग वहाँ के मुकामी रहेंगे, जो लोग वहाँ के परमानेंट मुसल्ली रहेंगे, वही लोग हमेशा रहेंगे। तो कमेटी के मेम्बर्स चेंज होते जाएंगे, कमेटी कायम रहेंगी, उसी लिए मेरा कहना ये है, अगर आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब मुनासिब समझते हैं, तो इस तरीके से कर दिया जाए ताकि मस्जिद का मसला हल हो जाए। और मस्जिद जिस शक्ल में पहले से बनाई गई थी, 7-8 महीने से नमाज चल रही थी, जिस नाम से मस्जिद बनाई गई थी, उसी नाम को और उसी शक्ल को मस्जिद को दोबारा दे दिया जाए।